ये दोनों पार्ट टूट गए इसके, और बाकी ये पूरा बम्पर, ये पूरा चेंज होगा इसका पीछे का पूरा, वहां से लेकर यहाँ तक दिल्ली पहुंच, दिल्ली पहुंचने वाले थे हम, 50-60 किलोमीटर रह गया था बस। और मेरे मन में फिर बार बार भगवान जी के आगे भी जाऊँ, पता है तेरे को, भगवान जी के आगे जाऊँ, मेरे मन में ऐसा गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइज मैं हूँ दिल्ली में, सुबह के 8 बज गए हैं, फिलहाल उठ गया हूँ, तो फिलहाल रेडी होते हैं, निकलते हैं वहाँ पे सल्दवाने के लिए। कल आए थे ना यहाँ पे, कल एक्सीडेंट हो गया था हमारी गाड़ी का, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, तो आज वही गाड़ी लेके जानी वापस हल्द्वानी, लेकिन बहुत स्लो चलानी पड़ेगी बिकॉज गाड़ी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक्सीडेंट हो रखा है ना, क्या पता क्या अंजर पंजर से खराब हो रखा है। तो भी गाइज मस्त नहा धो के रेडी हो गए, मैं भी, वो भी, अभी सभी चलते हैं। चल तो गाइज ये खड़ी अपनी गाड़ी, इसके अगले टायर तो सही है बट पिछले सही नहीं है। गाइज ये वाला टायर भी बहुत पुराना हो गया, तो इसमें हवा भर रहे हैं हम, देखो बिल्कुल भी हवा नहीं है इसमें, ये भी फट सकता है। तो ठुकी हुई गाड़ी में बैठ गए, अब जाने यहाँ से हल्द्वानी, पूरे 5 घंटे ड्राइव करके 300 किलोमीटर। कल गाड़ी इतनी स्पीड में थी, 100 की स्पीड में थी और ऐसी चल रही थी, बट एक दिक्कत थी, कल बारिश हो रही थी ना तो रोड गीली थी, जो और गाड़ियों के साइलेंसर से धुआं निकलता है ना, रोड चिकनी चिकनी रहती है, तो उसकी वजह से फिसल गई गाड़ी और टायर भी फट गया था, तो ये दिक्कत हो गई थी। बाकी गाड़ी तो देखो नॉर्मल चल रही है, टायर चेंज कर दिया इसका, नॉर्मल चल रही है गाड़ी, बिल्कुल पता ही नहीं चल रही गाड़ी ठुकी हुई है। तो गाइस मेन गलती तो टायर की थी, टायर पूरा घिसा हुआ था मेरा, प्लेन रखा था टायर, तो टायर में ग्रिप नहीं थी, तो पानी में ग्रिप नहीं मिली उसको, तो फिसल गया, पूरा फिसल गया टायर और गाड़ी पूरी घूम गई। अगर आप भी बारिश में ड्राइव करते हो तो स्लो चलाओ, जितनी स्लो हो सके उतनी स्लो चलाओ, क्योंकि गाड़ी फिसल सकती है रोड में, पानी से कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई, डर बैठ गया मेरे अंदर तो बस अब, क्योंकि जो रोड पे होता है वो जरूरी नहीं है पानी ही हो, वो तेल भी हो सकता है और वो मतलब चिकना चिकना होता है तो उसमें फिसल सकती है गाड़ी। गाइस मैं तो स्टार्टिंग में मुंबई ले गया था गाड़ी, वही बारिश में मुंबई ले गया था मैं, बारिश में ही। गाइस बारिश का नाम लिया, बारिश स्टार्ट भी हो गई है, तो मैंने गाड़ी स्लो कर लिया भाई। तो गाइस अभी पहुंच गए एक्सीडेंट वाली जगह पे, यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, यहाँ से गाड़ी फिसलती हुई गई थी हमारी। अब जब भी इस हाईवे पे आएंगे, दिल्ली जाएंगे ना, ये याद आएगा कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ये देखो रास्ते में कितना पानी भरा हुआ है गाइस, लेफ्ट में तो पूरा ही भरा हुआ, देखो पूरा पानी, मतलब अब की ओर बहुत ज्यादा बारिश हो गई है। तो फाइनली गाइस हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया, पहुंच गए हल्द्वानी घर पे, सामने खड़ी अपनी थार। गाइस हम ठुकी हुई गाड़ी लेके घर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल सेफली, बिल्कुल स्लो स्लो मैं ले आया, अब इसको टोयोटा में दे दूंगा। घर वालों को पता नहीं गाइस, घर वालों को उन्होंने बताया था कि हमारी गाड़ी ठुक गई है, तो फिर टेंशन हो जाती है, मम्मी को बहुत टेंशन हो जाती है, अब मम्मी को बताऊंगा मैं कि गाड़ी ठुक गई थी हमारी, और वो भी आ गए थे, वो भी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। प्रणाम। एक बात है। क्या बात होने हो रही है? कल हमारा एक्सीडेंट हो गया था। है? हाईवे पे? हाँ। ज्यादा पीछे से गाड़ी को लगी है? किसी को नहीं लगी, वो भी मैंने गाड़ी ठीक करी, मैं चलाई, मेरा तो शूट था, मेरे को जाना पड़ा फिर। मैं तो पहले कह रही थी, क्या कहा मैंने? क्या कहा था? कैसे लगी? माँ को सुबेरे तब कहती हूँ कि माँ से आशीर्वाद लेकर जाया करो, प्रणाम लेकर माँ का दिल मत दिखाओ। कहती हूँ कहा लला माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और तीनों गए तुम, एक भी हम जा रहे हैं, और हमको नींद आई थी क्या? मैं तुमको चाय बना के यहाँ पर देख, मुझे लगा सो गए आप, हमको लगा सो गए यार, हमको लगा सो गए बोला तुमको पता से, मगर रात भर नींद नहीं हुई तो हमको पता नींद है यार, हमको लगा आप सो गए, आप दिखे ही नहीं हमको, हम सो भी गए तब भी कहते तुम, हम जा रहे गेट बंद करो, ये थोड़ी होता है। मेरा दिल तो वैसे ही हो गया, मैं सुनको मैंने अभी ये बात कही थी रमा से, पूछ लो मेरी आत्मा जान जाती है, पूछ लो मेरे को भोभी भैया क्यों गए, कहीं उनका कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पूछ ले कहा था नहीं कहा था बुल्ले रमा से, फिर ऐसे मत सो जाकर, मेरे आशीर्वाद से जाओगे मेरे को खुश करोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, मैंने ये बात पहले कही है तो। अरे यार मुझे लगा सो गए आप। आई भी बात तेरे को पता है, तेरी मम्मी को रात भर नींद नहीं आती है, मैं तुम्हारे को इतनी चाय दे के मेरे को नींद आ गई क्या अंदर? टेंशन लोगे आप इसलिए बताया ही नहीं। सहल तो बोबिया के साथ आ रहा है, चोट लगी है उसको। अरे किसी को नहीं, चोट क्यों लगेगी यार मम्मी, पानी होगा, पानी में पता नहीं क्या हुआ, कुछ पानी में ऐसे घूम गई। नहीं फिर वो लगी किस पे? अरे नहीं नहीं वो डिवाइडर पे लगी, नहीं साइड में जो रेलिंग होती है ना, रेलिंग पे लगी पीछे से, पता नहीं ऑफ था क्या था, लेकिन फिसल गई घूम घूम के ड्राइवर के अंदर। हाँ हाँ गाइस ये बात तो है, कल हम मम्मी से बिना मिले चले गए थे, मम्मी सो गई थी पता नहीं, मम्मी रूम में चली गई थी, फिर मम्मी से बिना मिले चले गए थे कल हम, सॉरी मम्मी, सॉरी वाली बात नहीं है, मैं रोज कहती हूं भगवान ने बचा लिया, कृपा थी बचा लिया। सीखोगे इन चीजों से ही सीखोगे, जितने जितने गलतियां करोगे तब इसी के बाद ही धीरे धीरे सीखोगे। मम्मी से मिलना भूल गया, मम्मी को प्रणाम करना भूल गया, दिल को दुखाना नहीं चाहिए कभी। ये तो पूरा ही खत्म हो गया, ये चीज ये तो बांध रखी है तो ये पूरा निकल गया, देखो ये पूरा पीछे साइलेंसर मुड़ गया था पूरा इसका, इतना ज्यादा।
ये दोनों पार्ट टूट गए इसके, और बाकी ये पूरा बम्पर ये पूरा चेंज होगा इसका पीछे का पूरा, वहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी टायर फट गया था, दिल्ली पहुँचने वाले थे हम, 50-60 किलोमीटर रह गया था बस। तो अपने बोबिया को बुलाया? हाँ, बोबिया यहाँ से चार घंटे में आए बोबिया यहाँ से। और मेरे मन में फिर बार बार भगवान जी के आगे भी जाऊँ, भगवान जी के आगे जाऊँ, मेरे मन में ऐसा गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। गलत ख्याल आ रहे थे, मतलब ऐसे, मतलब सौरभ मेरा प्रणाम नहीं करके गया, क्यों नहीं करके गया मन में यार? आप सो गए थे इसलिए नहीं कराया। गाइस टाइम देखो 4 बजने वाले हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह उठे और ड्राइव करके यहाँ पे आ गए। मेरे छोले चावल आ गए मस्त, कुछ नहीं होता। मेरे को डेटा में अंदर पहले कह रखा, देख मेरे को कोई खाने पीने से लालच नहीं है, मेरे को ये अंदर ये लाओ वो लाओ ये लालच नहीं है मेरे को, सिर पर चाहे कोई भी है मेरे को बोलना अच्छा चाहिए बस, मेरे को प्यार से बोल लो मेरे लिए, और कुछ नहीं है, मेरे से प्यार से बोलो और जो मैं कहती हूँ मेरी बात को हाँ मैं हाँ कह दो। मैं नहीं बोलता प्यार से, बस प्यार से नहीं बोलता मैं, मेरी बात को ठुकरा है मैं प्यार से नहीं बोलता, जो बात कहूंगी तुम्हारे लिए कहूंगी, अपने ही उसके लिए नहीं कहती मैं यार। मैंने प्यार से, मैं प्यार से नहीं बोलता क्या? ये होता है, मैंने बात नहीं मानी आपकी। और तू सोचता है कि मैं अकेले जाता हूँ, अकेले जा रहे, अकेले क्यों जाता है? अकेले साथ में जरूर लेके जाओ, साथ में जाओ, कोई दुख सुख है कुछ भी है तो साथ में होएगा तो दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो गाइस अब जा रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेके, देख के आते हैं इसको, देखते हैं कितने दिन लगेंगे। मेरे को तो लग रहा है 10-15 दिन लगेंगे तो लग ठीक होने में, क्योंकि बम्पर आएगा, बम्पर चेंज होगा, आगे भी पेंट वेंट करना है इसमें बहुत। साथ में निर्णय को ले चलते हैं, वो अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, फिर गाड़ी देखे हम उनकी गाड़ी में आ जाएंगे। ब्रो गाड़ी में कुछ चेंज लग रहा है? अंकल नमस्कार। राधे राधे। टोयोटा पहुँच गए, तो गाइस हमारी गाड़ी जा चुकी है सर्विस में। चलो अब हम चलते हैं निर्णय की थार में घर पे, हफ्ता लग जाएगा रे, एक हफ्ता। तो भी गाइस गाड़ी देख घर पे आ गया हूँ, एंड बोबिया भी आ गए हैं, थैंक यू बोबिया कल आने के लिए। तो भी गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ पीछे साइकिल लेके, अब गाड़ी तो ठुक गई है ना, अब साइकिल चलानी पड़ेगी, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पे साइकिल चलाने में। एकदम देखो ग्रीन ग्रीन है, और यहाँ पे बन रहा है हमारा घर, बारिश की वजह से काम नहीं चल रहा, होपफुली कल बारिश ना हो, कल से स्टार्ट हो जाएगा। क्या हुआ? चार्जिंग नहीं है इसमें? अरे बिल्कुल भी नहीं, क्या तो गाइस आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं भगवान को इतना क्यों मानता हूँ। जैसे कि मम्मी ने बोला कि कल जाने से पहले मम्मी से मिल के नहीं गया, मम्मी के पैर छू के नहीं गया, मैं तिलक लगवा के नहीं गया, बिकॉज मेरे को लगा मम्मी सो गई है, और फिर हम ऐसे ही चले गए थे, मैं चाची और साहिल हम ऐसे ही चले गए थे, बिना मम्मी से मिले बिना पैर छुए हम चले गए थे। लेकिन मुझे फील तो हो रहा था कि मम्मी से मिल के नहीं गया, पर फिर मैं चलो कोई बात नहीं, मम्मी सो रही थी, मम्मी नहीं आई बाहर, यूजली मम्मी आती थी तो फिर नहीं आई, और मम्मी कह रही मेरे को कुछ फील हो रहा था कि मतलब कुछ होगा कुछ ऐसा, मम्मी को पहले से ही फील हो रहा था कि कुछ होगा कुछ होना चाहिए, मम्मी प्रे कर रही थी, बट हम बच गए, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ओनली गाड़ी पीछे से लगी, पीछे से बम्पर वम्पर टूट गया, उसका टायर फट गया, बाकी किसी को कोई नाम को ना, सामने वाले को किसी रोड को, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब जब ऐसी चीज़ होती है ना लाइफ में तब बिलीव होता है कि हाँ यार भगवान साथ देता है, मम्मी प्रे कर रही थी हमारे लिए तो भगवान साथ देता है। और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है हमारे साथ में कि मम्मी ने टोका है, मम्मी ने बोला ऐसे मत करिए ऐसे मत करो, वैसा ही हुआ है हमेशा। बाकी आप कमेंट कर देना आप क्या सोचते हो इस बारे में। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।